दिल कभी कभी इत्तेफाक में गुनगुन को पड़ने वाला है जोरदार थप्पड़। आने वाले एपिसोड में अब ऐसा कुछ होने वाला है कि गुनगुन अनुभव की जिद पर नर्स बनकर पहुंचती है उसका खाना लेकर, लेकिन यहाँ पर रंगे हाथ पकड़ी जाती है। जब यहाँ पर आकृति आ जाती है और वो बड़े पापा और पूरे परिवार को वहाँ पर बुला लेती है। उसे देख कर यहाँ पर गुनगुन यहाँ पर सबको समझाने की कोशिश करती है और अनुभव भी समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके कहने पर आई है, लेकिन आकृति यहाँ पर इसकी बात नहीं सुनती और सबके सामने गुनगुन को एक और थप्पड़ मार देती है। गुनगुन बेचारी यहाँ पर चुपचाप ये सब कुछ सहन कर रही होती है सिर्फ और सिर्फ अनुभव की वजह से, और अनुभव की तबीयत खराब हो जाती है ये सब कुछ तमाशा देखकर। यहाँ तक कि वो बड़े पापा उसे काफ़ी कुछ सुना देते हैं और सिक्योरिटी और डॉक्टर सबको बुला लेते हैं और गुनगुन की बहुत बुरी बेइज्जती होती है। तो वहीं पर गुनगुन साफ कह देती है कि किसी नर्स ने और किसी ने स्टाफ ने आके उसकी मदद नहीं की है, और वहीं देखने को मिलता है कि यहाँ पर उसके खिलाफ एक्शन लेने की कहती है आकृति, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि अनुभव कहता है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, इसको मैंने बुलाया है, और अनुभव यहाँ पर उसको छुड़ाते नजर आता है। तो वहीं देखने को मिलता है कि बड़े पापा फैसला कर लेते हैं कि अब अनुभव का इलाज लखनऊ में ही होगा और अब वो यहाँ से उसका डिस्चार्ज चाहते हैं। बाद अनुभव को डिस्चार्ज करके यहाँ से ले जाया जाता है और अब दूसरी तरफ गोलू चाचा गुनगुन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं कि तुम हमारे साथ उसी शहर में जाओगी, लेकिन यहाँ पर गुनगुन साफ इनकार कर देती है और बड़े पापा भी साफ इनकार कर देते हैं। तो देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर गुनगुन और अनुभव की दूरियाँ, लेकिन अनुभव खाना पीना सब कुछ छोड़ देगा और वो भी अपनी जिद पर अड़ा जाएगा कि वो भी गुनगुन के बिना नहीं रह सकता है, जिसके चलते हुए यहाँ पर पूरा परिवार दुखी होते हैं, यानी कि उसके आगे झुकता नजर आएगा और उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ते नजर आएगी, जिसके चलते मजबूरी में ही सही गुनगुन को बड़े पापा को अब वापस लाना पड़ेगा।